हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चार तरीके से बैग लेकर आई हूँ और स्टिचिंग और कटिंग में आज एक ही वीडियो में चार तरह की आपको बैग बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आटे और चावल के खाली पैकेट से बनाए गए बैग आप ज़रूर देखना, पूरी वीडियो स्किप मत करना। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, इसकी लेंथ ली है मैंने 15 इंच और चौड़ाई इसकी हमारी 13 इंच है। इसके ये मैंने दो पर्त कट किए हैं। मैं इसके अंदर बीच में आप फोम लगा सकते हो, मैंने ये कट्टा लगाया है और नीचे अस्तर इसका ये लगाऊंगी मैं पिंक कलर का। देखिए इस तरीके से सबसे नीचे मैं ये अस्तर लगा रही हूँ, बीच में मैंने इसका कट्टा रखा है, आप फोम लगा सकते हो। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। इसी तरीके से हम दूसरा पर्त तैयार करेंगे। नीचे हम अस्तर लगाएंगे, बीच में आप फोम लगाओ या कट्टा लगाओ वो रखना, ऊपर से हम जिस कपड़े का बैग बना रहे हैं उसको रख देंगे। ये मैंने पट्टी ली है 3 इंच की, इस पट्टी को हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से सिलाई से जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम इसकी जिप लगाएंगे। आइए हम इसकी सिलाई शुरुआत करते हैं। देखिए, हम इसको इस तरीके से सिलाई से जॉइंट कर रहे हैं तीनों चीज़ों को। नीचे हमारा इसके अस्तर है, बीच में हमने इसका कट्टा लगाया है, आप फॉर्म लगा सकते हो। बीच में इसमें हमने कहीं कहीं इस तरीके से सिलाई लगाई है। इसी तरीके से हम दूसरा पर्त भी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में बनकर ये तैयार हो जाएगा। ये हम जिप वाली पट्टी तैयार कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। मैंने अस्तर पे रखी है पट्टी और सिलाई से इसको जॉइंट किया है। ये 2 इंच की पट्टी ली है मैंने और लंबाई इसकी जिप के बराबर है। अब बीच में हम इसको कट्टा लगा रहे हैं इस तरीके से, आप चाहो तो फॉर्म लगा सकते हो। अब इसको हम सिलाई से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलाई से इसको जॉइंट कर देंगे। दोनों पट्टी इसी तरीके से हमें तैयार करनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। अब दूसरी पट्टी भी हमें इसी तरीके से तैयार करनी है। ये देखिए, इसको भी हमने सिलाई से जॉइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। दोनों पट्टी हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसमें हम जिप जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से हम साइड की सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से आप जिप लगाओगे तो बहुत ही इजी तरीके से लगकर तैयार हो जाएगी। दूसरी साइड की पट्टी भी हम लगा लेंगे। अब देखिए जिप पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये हम साइड वाली पट्टी तैयार कर रहे हैं। नीचे हमने अस्तर लिया है, तीनों चीज़ हम रखकर बराबर सिलाई लगा लेंगे। देखिए पट्टी की लेंथ हमारी 40 इंच की है। यहाँ पर हम इसके तनी बना रहे हैं। बीच में मैंने 4 इंच का गैप रखा है। आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। दोनों साइड में लगानी है। अब हम यहाँ पर पटार लगा रहे हैं बारीक वाली। इस तरीके से हम तनियों के ऊपर से इस पटार को लगा देंगे। इसको हम सिलाई से पक्का कर लेंगे। एक पटार और हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों पट्टी तैयार की है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी तैयार करेंगे। देखिए एक तरफ की तनी हमारी लग चुकी है। अब हम दूसरी तरफ की तनी लगा रहे हैं। पहले हमने सिलाई से तनी को जॉइंट किया है,
अब इसके ऊपर हम पटार लगा देंगे, जो सिलाई है उसी के ऊपर हमें पटार लगानी है, इसके नीचे हमारी सिलाई दब जाएगी। दोनों तरफ हमने ये तैयार कर ली है। देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ लग चुकी है। अब हम जिप वाली पट्टी लगा रहे हैं, जिप की पट्टी ऊपर की तरफ लगानी है हमें। देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से हम दूसरा वाला पर्त उठा के दूसरी साइड में जिप को जॉइंट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमारी जिप वाली पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। देखिए लगने के बाद ये इस तरीके से दिख रही है। देखिए यहाँ पर बीच में जिप आ गई है, दोनों तरफ हमने लगा लिया है। अब हम इस साइड वाली पट्टी लगा रहे हैं, जो साइड वाली पट्टी है वो हम जिप के पास से शुरुआत करेंगे। इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे दूसरी तरफ को साइड में और सिलाई से इसको जॉइंट कर लेंगे। अब इसको हमें इसी तरीके से दूसरी साइड में घुमाना है। देखिए हम इस साइड वाली पट्टी लगा रहे हैं, इस तरीके से लगाओगे आप बहुत ही इजी तरीके से लग जाएगी और बहुत ही कम टाइम में बैग बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है। हम ऊपर का पर्त भी इसमें सिलाई से जॉइंट कर देंगे। देखिए हम लास्ट की सिलाई लगा रहे हैं, यहाँ से दूसरा पर्त भी हम पट्टी में जॉइंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप सिलाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की बनाकर अपलोड कर दूंगी। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप कुछ सिलाई से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए यहाँ से जिप खोलकर हम इसको पलट लेंगे। कितने कम टाइम में ये हमारा शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट बैग बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं एक ही वीडियो में आपको 4 तरीके से बैग बनाना बताऊंगी, स्कूल बैग और ट्रैवल बैग और हैंड बैग और शॉपिंग बैग। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आइए नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर दिखा दूँगी बैग के मैंने किस तरीके से बनाया है, वीडियो को स्किप मत करना। आइए आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही खूबसूरत हैंड पर्स बनाने का तरीका। बनाने में बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये मैंने गोल कट किया है, 10 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। देखिए बीच में मैं कट्टा लगा रही हूँ, आप फोम भी स्पंज हो या कुछ और भी लगा सकते हो। नीचे मैंने एक अस्तर का कपड़ा लिया है, उसको तीनों रखकर हमने बराबर से ही सिलाई लगाई है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमने दो पर्त लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसको पाइपिंग लगा रहे हैं इस तरीके से। हम एक पैर की सिलाई से इसमें पाइपिंग जॉइन कर रहे हैं और अभी पट्टी कट की है ये हमने, और अब इसको हम सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। लपकी सिलाई से हम इसको पलटने के बाद सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये इसको तैयार किया है। ये हमें दो पर्त लेने हैं, इसको लपकी सिलाई से हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पर्त को हम इसी तरीके से तैयार करने हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है, ये हमारा एक पर्त तैयार हो गया है। इसी तरीके से अब हम ये दूसरा पर्त तैयार कर रहे हैं। दोनों पर्त हमने गोलाई में तैयार किए हैं। फ्रेंड्स देखिए दोनों पर्त हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए 22 इंच की हम इसमें तनी लगा रहे हैं। यहाँ से हम तनी इस तरीके से इसमें जॉइन करेंगे। नीचे से हमने ये 3 इंच पर एक निशान लगाया है, यहाँ पर इससे ऊपर ही हमें तनी लगानी है। देखिए इस तरीके से हम तनी को सिलाई से जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स मैं बहुत इजी तरीका आपको बता रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे बैग और पर्स की वीडियो और भी डाली हैं, अगर आपको और भी देखने तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। इस तरीके से हमने इसकी तनी जॉइंट की है, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जॉइंट करेंगे।
नीचे से 3 इंच पर हमने ये निशान लगाया है। अब इसके ऊपर की तरफ हम तनी लगाकर इस तरीके से सिलाई से इसमें जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं उसी की अपलोड कर दूँगी। देखिए इस तरीके से आप तनियों को जॉइंट कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारी दोनों तरफ की तनी लग चुकी हैं। देखिए तनी वाला हिस्सा हम बाहर की तरफ रख रहे हैं इस तरीके से। अब हमें 3 इंच से थोड़ा नीचे यानी 2 इंच करीब पर हमें नीचे सिलाई लगानी है। ये हमने 2 इंच पर सिलाई लगाई है नीचे की तरफ से। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके किनारी लब की सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसकी लब की सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी तरीका है ये बैग बनाने का और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बैग। देखिए इस तरीके से ये बैग हमने बनाकर तैयार किया है। अब इसकी हम लास्ट की सिलाई किस तरीके से करते हैं देखिए। यहाँ से हमने दोनों को बराबर फोल्ड किया है। अब इसके किनारे की सिलाई हम इस तरीके से लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ की चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो मैं बना के उसी की अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सेकेंड बैग भी हमारा बनकर तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, आइए हम तीसरे बैग की तैयारी करते हैं कि हम बताते हैं आपको हमने तीसरा बैग किस तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये चारों बैग आटे की और चावल के खाली बोरी से बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर देखना, आपके आटे या चावल के जो खाली पैकेट होते हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से बैग बना सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा बैग बनाया है मैंने और इसको किस तरीके से बनाया है ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको सिलाई से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए इसकी लंबाई मैंने लिया 18 इंच और चौड़ाई इसकी ली है मैंने 12 इंच। मैंने बराबर इसके ये दो पर्त लिए हैं। अब मैं एक पर्त को इस तरीके से इंची टेप से मैंने ये कोने पर 1.5 इंच का निशान लगाया है और इसको गोलाई में मैंने कट कर दिया है। इसी तरीके से हम नीचे वाले पर रखकर इसको भी हम कट कर लेंगे। मैंने इसके बीच में फोम लगाई है। ये देखिए मेरे दोनों पर्त तैयार हो चुके हैं। अब मैं आगे वाले पर्त पे यहाँ से जेब बनाऊंगी इसकी। देखिए इस तरीके से दो पर्त हुए हैं ये मेरे आगे पीछे के, जो मैं बैग बना रही हूँ। अब ये एक पर्त आगे का है जो फ्रंट साइड का पर्त है। इस पर मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जिप लगाऊंगी और मैं इसकी पॉकेट बनाऊंगी यहाँ से। देखिए इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर जिप लगाऊंगी और पॉकेट बनाऊंगी। देखिए मैंने ये पॉकेट तैयार की है और यहाँ पर मैं इसको सिलाई से जॉइंट कर रही हूँ। ये ऊपर की तरफ चैन लगाऊंगी मैं इसमें जिप। ये मैंने 20 इंच का रखा है। मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने ये क्या क्या चीज़ और किस किस तरीके से लगानी है। ये मैं आप ऊपर की तरफ जिप लगाऊंगी और नीचे की तरफ मैं ये लगाऊंगी। मैंने इसमें बीच में फोम लगाकर ये तैयार किया है स्पंज लगाकर। ये देखिए मैं जिप लगा रही हूँ इसको 20 इंच की। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास 20 इंच की चैन लगा रही हूँ मैं और मैं नीचे नाप लिया इस तरीके से मैंने। यह है 38 इंच और 38 इंच की ये मैंने पट्टी तैयार की है नीचे की तरफ। देखिए ये मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी और अब मैं ये आपको जिप लगाकर दिखा रही हूँ। जो मैंने पॉकेट बना रही हूँ फ्रंट साइड की, उसमें मैं ये जिप लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये जिप लगा ली है। देखिए इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब एक सिलाई मैं ऊपर लगाऊंगी और ये मैं हल्की सी पटार इसमें लुक के लिए थोड़ा सा लुक आ जाएगा इसमें ये लगा रही हूँ। अब ये मैं ऊपर साइड की जिप तैयार कर रही हूँ। ऊपर साइड की एक सिलाई मैंने पहले ही लगा ली है और दूसरी साइड की मैं ये अब लगा रही हूँ।
ये मैं बारीक वाली पटार लगा रही हूँ, इसे थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए देखिए ऊपर की ये जिप तैयार हो गई है। अब इसको हम किस तरीके से लगा रहे हैं ये देखिए, मैंने फ्रंट पट लिया है और इसको मैंने बीच में कट लगा लिया है, और इसमें भी जिसमें मैंने जिप लगाई है पट्टी में, इसको भी एक कट लगा लिया है, और मैंने ये कट से कट मिलाया देखिए, और इसको यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे हम पकड़ पकड़ के। यहाँ से हमने ये सिलाई लगाई है इसमें देखिए, पहले हम सिर्फ ये जिप वाला हिस्सा लगा रहे हैं ऊपर की तरफ से। देखिए ये हिस्सा मेरा ऊपर का लग चुका है, अब मैं देखिए जो हमने नीचे 38 इंच की पट्टी तैयार की है वो हम नीचे की तरफ लगाएंगे इसको यहाँ से इस तरीके से। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारे ऊपर का हिस्सा लग गया, अब इसको हम बराबर में यहाँ से लगानी है हमें इस तरीके से। पहले हम यहाँ से ऊपर की तरफ से इसको सीधा इस तरीके से सिल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हमको सिलाई को इस तरफ घुमा लिए हैं, वो पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई है। अब ये हम बैक साइड की तनी बना रहे हैं, बीच में मैंने थोड़ी सी स्पंज रखी है, फोम रखी है, उस पर मैं तनी बना रही हूँ, और नीचे खाली कपड़ा है। ये मैंने 5 इंच की पट्टी ली है, करीब 2.25 इंच की ये तैयार पट्टी है, और ये 20 से 22 इंच लंबी है। देखिए ये बैक साइड लिया है मैंने, और इसमें बीच में एक कट लगा लिया। अब इसमें हमें ये बैक साइड की तनी लगानी है। देखिए कट से मैं इधर एक तनी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं ये पट्टी लगा रही हूँ पकड़ने के लिए। यहाँ पर ये मैंने पट्टी लगाई है 4 से 4.25 इंच की, और फिर हम दूसरी तनी यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए ऊपर से ये हमारी तनी जॉइंट हो गई है। अब इस ये हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ हमें साइड में लगानी है, ये ऊपर हमने बीच में लगाई है और नीचे हमने ये साइड में लगाई है। आपके पास कोई भी कपड़ा रखा हो आप उसी में ये बैग बना सकते हो। मैंने इसमें बाहर का मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चैन लगाई है। देखिए नीचे का भी लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो इसमें हमने ये तनी लगाई थी उसको हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स मेरी मशीन ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने आपको लास्ट की सिलाई नहीं दिखा पाई हूँ, काफ़ी सारी सिलाई मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। और भी वीडियो मैंने डाली है बैग की, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरी और भी। तो फ्रेंड्स देखिए आप बताना मुझे ज़रूर कि आपको ये बैग कैसा लगा। देखिए कितनी जल्दी बनकर ये तैयार हो गया है और कितना इजी तरीका था फ्रेंड्स भी ये बैग बनाने का। आइए हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं और देखना कि मैंने कितनी जल्दी और आसानी तरीके से ये बैग आपको बनाकर दिखाई है। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स ये मटेरियल स्टोरेज बैग है, मल्टीलेयर स्टोरेज बैग किस तरीके से बनाते हैं। आप इसमें अपना कोई भी यूज़फुल सामान रख सकते हो। इसके आज मैं आपको कटिंग भी और सिलाई भी दोनों आपको बताऊंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए ये मैंने एक पेपर लिया है और इसको मैंने दिल शेप में कट किया है, और इसी के बराबर मैं कपड़े में निशान लगा रही हूँ। ये कपड़ा मैंने डबल लिया है, आप इसको छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए ये मैंने काट लिया, ये मैंने डबल पर्त काटे हैं। अब इससे करीब 4 इंच छोटा नीचे की तरफ, ऊपर नहीं काटना है, नीचे ही नीचे काटना है। इस तरीके से हमने नीचे की तरफ से निशान लगाए हैं, अब इसको हम कट कर देंगे। देखिए एक हमने इतना कट किया है और एक और उससे 4 इंच छोटा कट किया है इस तरीके से। देखिए मैंने डबल कट कर लिया है और उसको अब मैंने एक नीचे की तरफ रखा है कपड़ा इसका जो मैंने पहला काटा था, और उसमें मैं बीच में एक सिलाई लगाई है ताकि ये पेपर मेरा इधर उधर ना हो। अब एक इसके ऊपर रख के मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी दिल शेप में, जैसे मैंने दिल काटा है उसी के हिसाब से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। इसके किनारे पर हमें सिलाई लगानी है ऊपर नीचे, मैंने दोनों तरफ इसके कपड़ा लगाया है।
देखिए मेरा कपड़ा लगकर तैयार हो गया है। और जो मैंने दूसरा पर्त काटा है 4 इंच नीचे, अब मैं उस पर गुलाबी कलर की ऊपर की तरफ पाइपिंग लगा रही हूँ। ये जो मैं इसकी पॉकेट बना रही हूँ, ये मैं इसकी फर्स्ट पॉकेट बना रही हूँ। अब इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरीके से। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बता रही हूँ। और ये मेरी पहली पॉकेट तैयार हो चुकी है, देखिए ये हमने इसमें लिया है। अब इसको हम सिलाई से जॉइंट कर देंगे। देखिए ऊपर से करीब 4 इंच नीचे मैं इस पॉकेट को लगा रही हूँ। इसमें मैं डबल पॉकेट लगा रही हूँ। देखिए इसको हम इस तरीके से सारे सारे इसकी एक सिलाई लगा लेंगे बाहर। मैं इसमें 2 पॉकेट लगा रही हूँ। इसी तरीके से अब हम इसमें दूसरी पॉकेट भी जॉइंट कर लेंगे। ये सेकंड पॉकेट है, सेम इसी तरीके से लगेगी जैसे हमने फर्स्ट पॉकेट लगाई है। ये मैंने 2 से 2.5 इंच की पट्टी कट की है। ये मैंने पट्टी और भी कट किया और ये मैं उल्टी तरफ रख के इस तरीके से इसको सिल रही हूँ। देखिए पूरा मैंने दिल से में सिल लिया है। और अब मैं इसको ऊपर की तरफ पाइपिंग निकाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ रख के इसको फोल्ड किया है। सीधी तरफ मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये गुलाबी कलर की हल्की सी पाइपिंग लगाई है। अब इसमें मैंने ये गोटा लगाया है। गोटा आपकी मर्ज़ी है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी। मैंने बीच में एक गोटा लगाया है। देखिए ये मेरी 4 पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। और ऊपर जो मैंने लगाया है ये मैं इसको टांगने के लिए लगाकर तैयार कर दिया है। देखिए इस तरीके से हम इसमें अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। कितना इजी तरीके मैंने बताया। तो फ्रेंड्स ये मैंने आटे और चावल के कट्टे से बनाए बैग। बताना आपको कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।